नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कोई होटल कोई दुकान खोले नहीं रह रहे। हम पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत भी दे चुके हैं, लॉकडाउन के दरमियान में किसी किस्म के कोई दुकान, जो दुकानें सिर्फ मेडिकल स्टाफ के तक फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए, बाकी किसी होटल से कोई। सर, आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम से ये है कि आप घरों में रहिए। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो लोगों से लोगों को लगता है, और लोग जब कुछ बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो साथ में कोरोना डिसीज लेकर आते हैं। तो आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, या कुछ भी काम से बाहर जाते हैं, आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोइए, फ्रेश होइए, और ज़रूरत रही तो सैनिटाइज कीजिए, नहीं तो साबुन से भी। कोरोना रोकना हमारे हाथ में, ये कोरोना रोकना ना पीएम साहब के हाथ में, ना सीएम साहब, ये आवाम के हाथ में। आवाम से मेरी यही गुजारिश है, जितना हम एहतियात करेंगे। ये कर्फ्यू क्यों लगाएगा? कर्फ्यू लगाने का मकसद ये, कर्फ्यू का दुख हमें भी है, लॉकडाउन से जो है लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस लॉकडाउन में आप बाहर मत निकलिए, एहतियात कीजिए, और आप ही के हाथ में कोरोना रोकना, इसे आप ही अगर इसके लिए जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही मेरी आपसे गुजारिश है।